और हमने कहा हम आपकी बात से एग्री हैं, आप सर्वे करा लें और जिसका सर्वे आता हो उसे टिकट दे दें, और सर्वे में हमारा नाम नहीं आए तो हम बिल्कुल आपसे दोबारा अपील नहीं करेंगे। तो सर्वे में जो नाम आगा, जो बड़े से बड़े लीडर है उनका ही कहना है, जो पाठक जी हैं इसके अध्यक्ष हैं दुर्गेश पाठक जी, उनका कहना है कि हमारी पार्टी का सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सर्वे में आएगा उसको हम टिकट देंगे। हमने कहा हम आपकी बात से सहमत हैं, यदि सर्वे में नाम होगा तो आप दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये तो होगी टिकट की बात। आप जो एरिया से संबंधित, देखो आज हर आदमी आपके बीच जाएगा और अच्छी अच्छी बात करेगा, वो आप भली भांति जानते हैं। मैं अपनी बात को 10 बार दोहराऊं उसका कोई मकसद नहीं है, हमारा तो एक ही काम है, काम करा है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे। ये हमारा पहले भी नारा था, आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगा। हम जब जीत जाते हैं तो हम ये नहीं देखते किस जाति और किस धर्म के आदमी है, हमारी सोच होती है जो चल के आएगा वो मेरा आदमी है और मेरा कर्तव्य बनता है उसकी सेवा करना। मेरे धर्म नहीं बनता किसी भी जाति और धर्म को देखते हुए, और मैं जातिवाद में जाऊं, धर्म पे जाऊं और पार्टी पे जाऊं, ना मैं पहले गया ना आगे जाऊं, ये मेरा महत्वपूर्ण फैसला होता। न्यूज चैनल से रिपोर्टर आर के सिंह, मैं हूं अभी तुरिकाबाद विस्तार चौधरी भागवीर, जो पूर्व निगम पार्षद थे, सेंट्रल जोन के डिप्टी चेयरमैन भी थे। इन्होंने अपने धर्मपत्नी बबरी नागर को क्षेत्रवासी के आशीर्वाद से यहां के पार्षद बनाए। आइए इनसे जानते हैं कि अब तो सारा चीज डिक्लेयर हो चुका है, क्या अगर इनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी तो ये चुनावी दंगल में कूदने के लिए कौन सी रणनीति बना रखी है? पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो मैं अपने क्षेत्र की जो जनता है वो मेरे साथ पहले भी थी, आज भी है, मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आप टिकट लेके आओ और जीत के लिए भूल जाओ, अगर आपको जीत नहीं दिले, जीत तो इलेक्शन तो हम लड़ेंगे। ये पूरे आवाम की आवाज़ है। मैं लोगों के फोन आते आते मैं कह रहा हूँ भाई टिकट होगा आपका होगा, लेकिन लोगों को भरोसा जब होता है ना, जब टिकट आ जाए, जब हर आदमी की यही आवाज़ है अगर आप टिकट लेके आ जाओ चुनाव तो पब्लिक अपने आप जिता देगी, आप घबराओ मत किसी भी तरह। हर आदमी का एक ही नारा है, एक भागवीर जी के सामने को टिकने वाला नहीं। उसका कारण है आज के टाइम हमारे शुभचिंतक ज़्यादा जो अपोजिट हैं वे छोड़ रहे हैं, एक चौधरी भागवीर का टिकट ना हो, ये भगवान ये हट जा किसी तरह लेन से। तो ये अपोजिट की आज की आवाज़ है, अख ये किसी तरह हट जाए तो हम पार हो जाएंगे, फतह हो जाएंगे, जीत जाएंगे। ये आवाम जो है उसे बात को अलग कर देगा, उनकी बात सुनाई नहीं जाएगी, और उम्मीद जो है उम्मीद पर दुनिया चल रही है। जो पार्टी ने विश्वास दिलाया अख हम टिकट आपको सर्वे पर देंगे, मैंने कहा आप टिकट सर्वे पर दे देना, मेरा सर्वे है तो दे देना, नहीं हो तो मत देना। पार्टी का आज तक का सर्वे मेरे हक में बोल रहा है, जो भी मिलता है वो आपका टिकट है, आपका सर्वे है, नंबर एक पे है। लेकिन मुझे तो जब लगेगा, जब हाथ में टिकट आ जाएगा तो मैं कहूँगा पब्लिक से अब ये टिकट आपका है। लास्ट में इनकी रणनीति से मैं ये भी जानना चाहूँगा तो वो सर्वे किस रूप से कौन से अंजाम को दे देगी, ये इस पर आप कैसे दावा कर सकते हैं? देखो पार्टी का जो आदेश हुआ है हम टिकट सर्वे पर देते हैं, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो आपने बोली है ये भी सत्य है। ये मनाना तो आपके लिए शायद बहुत कठिन होगा और समर्थक शायद माने या ना माने, इसमें आप बेबाकी से दो बात कहें। देखो पार्टी का जो फैसला होगा, टिकट मेरा होगा तो मैं पार्टी का हूँ, टिकट नहीं होता किसी कारण मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँगा, ये पब्लिक के सामने कह रहा हूँ, पब्लिक को मनाऊँगा, ये मेरा काम है, ये मेरी पब्लिक है, इससे खुशामंद करूँगा, धर्मांत करूँगा। एक देखो भाई पार्टी के विरुद्ध जाना अच्छा नहीं है, पार्टी कोई भी होती है, जो भी पार्टी से लड़ता उसके अपोजिट जो चलागा उसे हमेशा नुकसान हुआ, कोई भी हो मैं पार्टी के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाऊँगा। पार्टी का फैसला जो होगा
उसका सम्मान करूंगा। पार्टी टिकट देगी तो भी, पार्टी ना देगी तो भी उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा। Thank you.